Now let's see problem related to trigonometric function of compound angles. So ये हमारा second topic problems. So under this heading सबसे पहला हम problem देखते हैं. Number one, without using trigonometric tables, find number one, cos 75 degree. Number two, sin 15 degree. And number three, tan 105 degree. अब हम इसका solution देखते हैं. सबसे पहले number one, we start from cos of 75 degree is equal to, अब 75 को हम manage कर सकते हैं in terms of 30 degree plus 45 degree. So cos 75 can be written as 45 degree plus 30 degree. अब यहाँ पर ब्रैकेट को ऑब्जर्व किया तो हमारा फॉर्मूला हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, कि जिसका आंसर आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो बाजू में हम फॉर्मूला को स्टेट करके रखते हैं. कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी. सो बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला प्रेजेंट केस में हमें मिलेगा कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री. सो इज इक्वल टू, अब फ्रॉम ट्रिगो टेबल कॉस 45 डिग्री का वैल्यू आता है 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री, उसका आंसर आता है √3/2 देन माइनस साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू है 1/2. सो ऑन नेक्स्ट स्टेप √3/1 गिव्स यू √3/√2, कि जिसका आंसर हमें मिला 2√2 देन माइनस 1/√2/1/2, इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1/√2. सो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो डिनोमिनेटर सेम है. सो वी टेक 2√2 एज ए LCM, तो न्यूमरेटर में आएगा √3-1. सो ये हो गया आंसर कॉस ऑफ 75 डिग्री के लिए. अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, दैट साइन ऑफ 15 डिग्री. अब यहाँ पर 15 डिग्री जो गिवन एंगल है उन्हें हमें एडजस्ट करना है इन टर्म्स ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री. सो 15 डिग्री वी कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. अब ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल रहा है साइन ऑफ ए माइनस बी का. सो साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, उसका आंसर आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो ये हो गया साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा इज इक्वल टू,
sine of 45 degree into cos 30 degree minus cos of 45 degree into sine 30 degree. Now from trigo table I'm inke value replace karte hai. So the next step will be is equal to sin 45 ko hum replace karenge 1 by root 2 into cos 30 ki jiski value hai root 3 upon 2 then minus cos 45 uska answer hai 1 by root 2 into sin 30 ki jiska value hai 1 by 2. अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें तो हमें मिलेगा रूट थ्री इंटू वन दैट गिव्स यू रूट थ्री अपॉन टू रूट टू देन माइनस वन बाय रूट टू इंटू वन बाय टू इसका आंसर हमें मिल रहा है वन अपॉन टू रूट टू एंड फाइनली वी गेट अगर हम यहाँ पर टू रूट टू एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा रूट थ्री माइनस वन. So finally, therefore, sine 15 degree, to uska answer hame mila root 3 minus 1 upon 2 root 2. Is answer ko hum box bana lete. Now let's go through question number 3. Question number 3 hai tan of 105 degree. अब tan ऑफ 105 कैन बी रिटर्न एज 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री. यहाँ पर ऑब्जर्व किया तो हमें मिल रहा है फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस बी. अब ये फॉर्मूला यहाँ पर मैं स्टेट करता हूँ दैट tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी. तो ये फॉर्मूला हम हमारे प्रॉब्लम में यूज करेंगे. सो देन वी गेट इज इक्वल टू टैन ऑफ 60 डिग्री प्लस टैन ऑफ 45 डिग्री अपॉन वन माइनस tan of 60 degree into tan of 45 degree. अब हम उनके वैल्यू रिप्लेस करते हैं. सो tan of 60 degree उसकी वैल्यू है रूट थ्री प्लस tan 45 degree उसका आंसर आता है वन अपॉन वन माइनस tan 60 अगेन रूट थ्री इंटू tan 45 कि जिसका हमें आंसर आता है वन. सो इज इक्वल टू ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग इसका आंसर हमें मिलेगा नोमरेटर में वन प्लस रूट थ्री अपॉन डिनोमिनेटर में वन माइनस रूट थ्री.